गुड मॉर्निंग। जो नए सीरीज की अगली दवा है वो है कॉफिया। तो कॉफिया ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स होम्योपैथिक डॉक्टर्स सबको नहीं कह रहा हूँ नींद में याद रखते हैं या दांत के दर्द में याद रखते हैं और भी ढेर सारे कंडीशन है जिसमें कॉफिया का रोल मार्वलस है। अभी क्या है, कोई आपके पास पेशेंट आया, कैसा फील होगा जब वो एग्जामिनेशन करते हैं, आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो छोटे लेटर्स वो बहुत आसानी से पढ़ लेगा। उसके जो स्मेल हैं, टेस्ट हैं और जो टच हैं, वो सारे सेंसेस एक्स एग्रेडेड हो जाते हैं। थोड़ा सा भी टच उसे फील होगा, इवन अगर बगल में कोई पैसिव मूवमेंट, बॉडी का पैसिव मूवमेंट भी है, तब भी उसे महसूस हो जाएगा कि ये हिला है, इतना ज़्यादा उसके सेंसेस एक्टिव रहते हैं। इसी तरह उसका जो दिमाग है और जो शरीर है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। ढेर सारे आइडियाज़ आएंगे, ढेर सारी चीज़ें वो सोचने लगता है, ढेर सारी चीज़ें प्लान करने लगता है फ्यूचर के लिए। अब इस वजह से होता क्या है कि ओवर थिंकिंग या एक्सेसिव मेंटल एक्टिविटी की वजह से उसको रात को नींद नहीं आएगी। तो कॉफिया स्लीपलेसनेस में इस वजह से बहुत ही बढ़िया दवा है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर SS पाटिल, वो PG कर रहे थे, प्रोफेसर नहीं थे, PG MD कर रहे थे। और एक केस आया पेशेंट का और उन्होंने उसे जलसीमियम प्रिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट टाइम वो आया तो आराम नहीं था। फिर जो डॉक्टर हैं डॉक्टर गुरु प्रसाद, उन्होंने केस लिया तो पता चला कि उसे मेंटल शॉक तो लगा था लेकिन वो दुख भरा नहीं था। उसका पति मर गया था, डॉक्टर SS पाटिल ने सोचा कि वो मतलब परेशान होगी, दुखी होगी, लेकिन फिर से जब डिटेल लिया गया तो वो खुश थी, वो उनके मरने के बाद हंसने लगी, इतना ज़्यादा खुश थी। और उस खुशी में वो डिस्टर्ब हो गई, उसका पति उसे मारता था, पीटता था, तमाम तरह की चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो एलिमेंट फ्रॉम हैप्पी न्यूज़ या गुड न्यूज़, इतना ज़्यादा खुशी हो गई कि आदमी बीमार पड़ जाए और बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, सडन सरप्राइज मिल गया तो उसकी वजह से दिक्कत हो गई, डिस्टर्बेंस हो गया, इस तरह की चीज़ें। इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि किसी भी तरीके से उसके पेन को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। मरीज बेचैन हो जाता है, रोने लगता है और बेड पे ऐसे ऐसे मतलब इधर उधर मिलने लगेगा जल्दी जल्दी दर्द से, कैसे सब लोग बिस्तर पर इधर उधर हिलते हैं, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। और इसके साथ दर्द की वजह से भी ग्रेट स्लीपलेसनेस, सर का दर्द ओवर मेंटल एग्जर्शन की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा बात करने की वजह से एक तरफ होता है और ऐसा लगता है कि इसको इधर दबा दिया गया नाखून को। दो दवाएं और हैं, इग्नेशिया और नक्सोमिका। सर दर्द होगा तो ऐसा फील होता है जैसे ब्रेन जो है उसको फाड़ दिया गया हो या छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कूच दिया गया हो, इस तरीके का दर्द होता है। और खुली हवा में जाने पर सर का दर्द बढ़ जाता है, पल्सिटला और फेरम मेट की तरह नहीं, इसमें खुली हवा में जाने पर तकलीफ़ सर की बढ़ जाती है। अभी सर दर्द की बात किया तो यही सेम कंडीशन इग्नेशिया में भी है, लेकिन इग्नेशिया में मोर और हिस्टेरिकल कॉज होता है, कॉफिया में ऐसा नहीं है। दांतों के दर्द, खास तौर से जो दांत में कैविटी हो, और सिर्फ एक चीज़ से आराम मिलता है वो है मुंह में ठंडा पानी रखने से या बर्फ़ रखने से। तो जब तक वो पानी या बर्फ़ मुंह में है, उसको ठंडा दबा हुआ है, तब तक तो आराम रहेगा। जैसे ही वो पानी नॉर्मल हुआ फिर से सर का दर्द शुरू हो जाता है, कॉफिया में ऐसा होता है। कैमोमिला में आपने पिछले लेक्चर में सुना होगा कि गर्म चीज़ें खाने से, जैसे चाय पिएगा तो दांतों में दर्द हो जाएगा, कोई भी गर्म चीज़ लेगा तो कैमोमिला मरीज के दांत का दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन कैमोमिला में ठंडे से आराम नहीं मिलता, ये चीज़ें ठंडे से आराम कॉफिया में है, पल्सिटला में है। ऐसे कॉफिया और कैमोमिला पैरेलल ही चलते हैं, दोनों नर्व से काम करते हैं, नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं और जितने भी नर्वस ट्रबल हैं उसको कवर करते हैं। लेकिन कॉफिया में कॉफ़ी का एडिक्शन नहीं होता। कैमोमिला में मैंने बताया था कि कॉफ़ी
का एडिक्शन होता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रालजिया वगैरह होते हैं, पेट में दर्द होते हैं, सारी दिक्कतें, नर्व ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन कॉफिया में कॉफ़ी का एडिक्शन नहीं होता। अगर कॉफ़ी का एडिक्शन मिलता है तो फिर आप कैमोमिला दीजिए। डिटेल में अगर जाएं तो जितने भी सेंसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एक्यूट हो जाते हैं। जो छोटे छोटे लेटर हैं बुक्स में उसको वो बड़ी आसानी से पढ़ लेगा। स्मेल, जो स्मेल हमें सुनो नहीं नाक में जाएगी, वो उसे पकड़ लेगा कि कहीं अमरूद रखा हुआ है, कहीं समोसा रखा हुआ है, कहीं चूहा मरा हुआ है, बहुत दूर से ही पकड़ लेंगे, इतना ज़्यादा एक्यूट हो जाते हैं वो। और टच भी, टच तो इतना ज़्यादा है कि बगल में अगर कोई आदमी है और कोई एक्टिव मूवमेंट नहीं, थोड़ा सा पैसिव मूवमेंट हुआ, वो उसको पकड़ लेता है, वो हिलाता है, इतना ज़्यादा उसका माइंड एक्यूट हो जाता है या ओवर एक्टिव हो जाता है। ढेर सारे आइडियाज़ आएंगे दिमाग पे और क्विक एक्शन लेता है, जैसे कोई भी बात हुई तो उसका जवाब तुरंत दे देगा बिना सोचे समझे, या कुछ भी कप उठा के रखना है, इधर गिर रहा है तो उठा के तुरंत, उसके एक्शन भी एकदम ऐसे क्विक हो जाएंगे, एक्टिव, हर तरफ से एक्टिव हो जाएगा। इसकी वजह से नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग, ओवर एक्टिविटी की वजह से, और ढेर सारे प्लान उसके दिमाग में दौड़ते रहेंगे अपने फ्यूचर को लेकर के। तो अब ये तो कॉफिया का माइंड हो गया, जिसमें जैसे कैमोमिला की तरह अगली नहीं है, बदतमीज नहीं है, सामान को तोड़ता नहीं है, या एकोनाइट की तरह फियर ऑफ डेथ नहीं है, ये अपना इसका अलग ही एक मेंटल सिम्टम है कॉफिया का। डॉक्टर हियरिंग ने रिकमेंड किया था एकोनाइट और कॉफिया को अल्टरनेट करके वो चलाते थे। अगर एक्यूट इन्फ्लामेटरी फीवर है और उसके साथ कॉफिया के सिम्टम हैं, तो वो एकोनाइट और कॉफिया दोनों अल्टरनेट कर देते थे। हालांकि डॉक्टर नैश ने इस तरह का प्रैक्टिस कभी नहीं किया, अल्टरनेशन में कभी कोई दवा नहीं दी। मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है कॉफिया पेशेंट में, हंसेगा, रोएगा, फिर हंसेगा, ज़्यादातर इसकी शुरुआत रोने से होती है, पहले खूब रोएगा, फिर हंसेगा, फिर रोना शुरू कर देगा। और ख़ास तौर से ये जो मूड स्विंग है या मेंटल डिस्टर्बेंस है, सरप्राइज न्यूज़, किसी ने उसको गुड न्यूज़ दे दिया या सरप्राइज कुछ मिल गया जिसे वो खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और उसके बाद वो डिस्टर्ब हो गया। दर्द का मैंने बताया था कि दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो टोटली इनसपोर्टेबल होता है, उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, और इतना ज़्यादा दर्द होता है कि रोने लगेगा, बिस्तर पे इधर उधर मिलने लगेगा, दर्द से तड़पता है वो, इस तरह की कंडीशन होती है। सर दर्द की बात करें तो अभी मैंने बताया, ऐसे लगे जैसे कोई नाखून अंदर धंसा दिया हो, पैराइटल बोन में इग्नेशिया है इसके साथ, लेकिन इग्नेशिया में हिस्टेरिकल कंडीशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। दांत के दर्द, ख़ास तौर से जो कैविटीज़ हैं, ठंडे पानी से रखने से आराम मिलता है। कैमोमिला में गर्म चीज़ें खाने से तकलीफ़ बढ़ती है लेकिन ठंडे से आराम नहीं मिलता है। एक और दो दवाएं और हैं, एक एंटीम क्रूड है और एक मैगम्यूर है, एलन्स की नोट में जो मैंने देखा था, इसमें नहीं लिखा हुआ है। डिसमेनोरिया के लिए पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा कि बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा, लेकिन इसके साथ जो मेंसेस होता है उसमें बड़े बड़े क्लॉट्स रहते हैं, ब्लैक क्लॉट्स। और अगर इस कंडीशन में आप कॉफिया देते हैं तो ज़्यादातर केसेस में आराम हो जाएगा, बड़े ब्लैक क्लॉट्स के साथ पेट में दर्द या डिसमेनोरिया। लेकिन बाय चांस अगर कॉफिया देने से आराम नहीं मिला तो फिर आप कैमोमिला दे दीजिए, मरीज ठीक हो जाएगा, दर्द में आराम हो जाता है। डॉक्टर नैश कहते हैं कि इनका जो पोटेंशियल सिलेक्शन है स्लीपलेसनेस में, जैसे कि नींद में अक्सर हम लोग कॉफिया पहले याद आती है, पैसिफ्लोरा याद आती है, लेकिन किस वजह से दी जाती है इसके पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। इसका जो कॉजिटिव फैक्टर है वो है ओवर एक्टिव ऑफ माइंड, इतना ज़्यादा वो सोचता है कि उसको नींद ही नहीं आती, दिन भर प्लान करता रहेगा, सोचता रहेगा, करता रहेगा, नींद ही नहीं आएगी। तो कॉफिया 200 की पोटेंसी सजेस्ट किया, वैसे भी डॉक्टर नैश ज़्यादातर मरीजों को 200 पोटेंसी ही देते थे। खांसी आने लगे या नींद ना आए खास तौर से, या फिर स्पेशली अगर मिजल्स हो गया है, तो मिजल्स हो गया, मिजल्स पूरी तरह से ठीक हो गया लेकिन उसके बाद खांसी नहीं जा रही है, नींद नहीं आ रही है, कॉफिया दीजिए, मरीज सोने लगेगा, खांसी भी बंद हो जाएगी। तो ये थी कॉफिया, डॉक्टर नैश से। थैंक यू।